दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे, अगर आपका किसी भी प्रकार का बिजली कनेक्शन है, घरेलू हो, दुकान का, एग्रीकल्चर का, आटा चक्की मिल का, या किसी भी प्रकार की आपका बिजली कनेक्शन है और उसकी मीटर आपका खराब हो गया है, तो उसको मीटर को जो है आप कैसे बदलवाएंगे, कैसे चेंज करवाएंगे। आप दो प्रोसेस से जो है मीटर को चेंज करवा सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से करवा सकते हैं। अगर आप बिजली कनेक्शन के लिए न्यू कनेक्शन लिए हैं, घरेलू कनेक्शन हो या दुकान का या एग्रीकल्चर का या किसी भी पर्पज से आप बिजली का कनेक्शन लिए हैं और उसमें मीटर नहीं लग रहा है, तो फास्टली आप कैसे मीटर को इंस्टॉल करवाएंगे पूरी प्रोसेस आपको बताएंगे। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नॉलेज चाहिए, चैनल पे पहली बार विजिट किए चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो बात करेंगे अगर आपका मीटर खराब हो जाता है तो इस पे बिल पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए, अगर आपका मीटर खराब हो जाता है तो आपका बिल जो है बिजली बिल एमडी पे बनना शुरू हो जाता है, जिसको मीटर डिफेक्टिव कहते हैं। तो मीटर डिफेक्टिव में जो है आपको यहाँ पे फिक्स नहीं रहता है, यहाँ पे एवरेज पे आपको कभी 200 यूनिट का भी बिल बन सकता है, कभी 150 यूनिट का भी बिल बन सकता है। तो इस तरह से उटपटांग जो है आपको बिल बनने लगते हैं। तो अगर आप जो है एक्स्ट्रा बिल न बन पाए, इससे बचना चाहते हैं, तो जैसे आपका मीटर खराब होता है उसको जल्द से जल्द जो है आप बनवा लें, ताकि आपका जो बिल है वो एक्चुअल मिल सके, जो आपका कंजप्शन है उसी के अनुसार से बिल मिल पाए। तो उसके लिए आप ऑफलाइन या ऑनलाइन के माध्यम से जो है आप जो है मीटर को लगवा सकते हैं। तो मैं बात पहले करूंगा ऑफलाइन के माध्यम से, अगर मीटर आपका खराब हो गया तो उसके लिए आपको क्या प्रोसेस करने होंगे। तो अगर आप ऑफलाइन से जो है सोल्यूशन चाहते हैं, तो उसके लिए आपको नियरेस्ट जो आपका सेक्शन ऑफिस है, जहाँ पे पावर सब स्टेशन है, वहाँ पे आप आवेदन दे सकते हैं, या आप डिवीजन ऑफिस, जिला ऑफिस में भी आप आवेदन दे सकते हैं। अब बात करेंगे आवेदन आप में क्या लिखना है। तो देखिए, आवेदन में आपको लिखना है सेवा में, अगर आप जो है सेक्शन ऑफिस में आवेदन देना चाहते हैं तो कनीय विद्युत अभियंता के नाम पे आपको आवेदन देना होगा। अगर आप डिवीजन ऑफिस में जिला स्तर पे विद्युत विभाग में आवेदन देना चाहते हैं तो सहायक विद्युत अभियंता के नाम पे आपको आवेदन देना होगा। उसके बाद कनीय विद्युत अभियंता के नाम पे अगर देंगे तो विद्युत आपूर्ति पर शाखा आपको लिखना होगा। सहायक विद्युत अभियंता के नाम पे आप जो है आवेदन देंगे तो यहाँ पे विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल और जगह का नाम आपको यहाँ पे देना होगा। उसके बाद विषय लिखेंगे, विषय में जो है बिजली मीटर लगवाने के संबंध में, अगर आपका नया कनेक्शन है या बिजली मीटर जल गया है, खराब हो गया है, सेम आवेदन आप लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे महाशय, सेवा में सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मैं जिसके नाम पे आपका कनेक्शन है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे, पिता का नाम मेंशन करेंगे, आपका ग्राम कहाँ है, पोस्ट कहाँ है, थाना कहाँ है, जिला कहाँ है, अस्थाई निवासी हूँ, मेरा न्यू कनेक्शन है। अगर आपका नया कनेक्शन है तो यहाँ पे लिखेंगे मेरा न्यू कनेक्शन है जिसकी डॉक्यूमेंट ड्यू टेक्निकल फिजिबिलिटी चेक हो चुकी है। देखिए, अगर आप नया कनेक्शन लेते हैं तो उसमें आपका डॉक्यूमेंट्स को जो है चेक किया जाता है कि जो आप आधार कार्ड सबमिट किए हैं, जो आप जमीन का रसीद सबमिट किए हैं वो सही है कि नहीं। सही पाए जाने पे जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। उसके बाद आपका ड्यूज चेक किया जाता है कि पहले से आपका कोई घरेलू कनेक्शन है या दुकान का कनेक्शन है या एग्रीकल्चर का कनेक्शन है और जिसकी पेमेंट आप जो है नहीं कर रहे होते हैं, तो इस स्थिति में जो है आपको न्यू कनेक्शन नहीं मिलता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, अगर आपका पहले का कोई कनेक्शन है उसकी पेमेंट आप नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, 20,000 या 30,000 रुपया जो है बकाया है, अगर 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 तक अगर बकाया है, 5,000 तक, तो कोई इशू नहीं होता है। अगर 5,000 से ज़्यादा अगर आपका उसमें बकाया है तो आपको जो है यहाँ पे ड्यूज वेरिफिकेशन में जो है आपका आवेदन रद्द कर दिया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पे आपका ड्यूज पहले का अगर क्लियर होता है तो वो क्लियर कर दिया जाता है। उसके बाद टेक्निकल फिजिबिलिटी चेक की जाती है, उसमें यह देखा जाता है कि जिस जगह, जिस परिसर के लिए आप कनेक्शन ले रहे हैं वहाँ पे बिजली विभाग का तार पोल पहुँचा हुआ है कि नहीं। अगर पहुँचा रहता है तो टेक्निकल फिजिबिलिटी भी जो है यहाँ पे क्लियर कर दी जाती है, उसके बाद आपके परिसर में जो है मीटर लग जाता है। तो अगर आपका टेक्निकल फिजिबिलिटी तक हो चुका है तो उसके बाद लिखना है, उसके बाद भी हमारे परिसर में मीटर नहीं लगा है या मेरा जो है मीटर नहीं लगा है तो जल्द से जल्द जो है मेरा मीटर लगवाने की कृपया करें, इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूंगा। उसके बाद विश्वास भाजन में नाम अपना लिख देंगे, फादर नेम, बिजली कनेक्शन जहां पे आपका है उसका फुल एड्रेस लिखेंगे, कंज्यूमर आईडी, जो उपभोक्ता संख्या अगर आपका न्यू कनेक्शन है तो उपभोक्ता संख्या लिखेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखेंगे, डेट एंड सिग्नेचर करेंगे। अगर आपका मीटर जला हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे
मेरा मीटर दिनांक, जिस डेट से आपका मीटर खराब हो गया है वो यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे, से खराब हो गया है या जल गया है। मेरा बिजली उपभोक्ता संख्या, जो आपका कंज्यूमर आईडी है, वो यहाँ पे मेंशन करेंगे, मीटर संख्या मेंशन करेंगे। इतना है, श्रीमान से आग्रह है कि मेरा बिजली मीटर जल्द से जल्द लगवाने की कोशिश करें। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि मेरा बिजली बिल जल्द से जल्द लगवाने की कृपया करें, ताकि मैं अपने बिजली बिल को जमा कर सकूं। इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूंगा या रहूंगी, यहाँ पे मेंशन कर देंगे। विश्वास भाजन में नेम, फादर नेम, बिजली कनेक्शन, फुल एड्रेस, कंज्यूमर आईडी, मीटर संख्या, मोबाइल नंबर, डेट एंड सिग्नेचर यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो उसके बाद जो है आपका आवेदन, एक जो है जब भी आप आवेदन देंगे तो एक रिसीविंग कॉपी जो है आप जरूर रख लीजिएगा, ताकि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम न हो। तो उसके बाद जो है आपको जल्द परिसर में जो है मीटर इंस्टॉल कर दिया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप घर बैठे, आप कहीं जाना नहीं चाहते हैं, आप ऑनलाइन कंप्लेन के माध्यम से जो है मीटर को रिप्लेस करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको देखिए यहाँ पे प्रोसेस है। अगर आप साउथ बिहार से बिलोंग करते हैं तो svpdcl.co.in के वेबसाइट पर जाना होगा। अगर आप नॉर्थ बिहार से बिलोंग करते हैं nbpdcl.co.in के वेबसाइट पर जाना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन कंप्लेन का एक सेक्शन मिलेगा, ऑनलाइन कंप्लेन का, इस पे क्लिक करेंगे, कंप्लेन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे कंज्यूमर आईडी, जो आपका उपभोक्ता संख्या है 2323 करके या जो भी है वो मेंशन कर देंगे, किसके नाम पे बिजली कनेक्शन है वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे, मोबाइल नंबर चूज कर लेंगे। यहाँ पे आपको डिवीजन चूज करना है, उसके बाद सब डिवीजन जो आपका है वो चूज कर लेंगे, सेक्शन ऑफिस जहाँ पे है वो चूज कर लेंगे, आपका एड्रेस प्रॉपर विलेज, पोस्ट, थाना जो भी है वो मेंशन कर देंगे। आपको देखिए यहाँ पे मेन इम्पोर्टेंट है कंप्लेन का कैटेगरी आपको क्या रखना है, तो यहाँ पे मीटर रिलेटेड आपको चूज करना है। यहाँ पे अगर आपका बिलिंग रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, सप्लाई रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी कंप्लेन कर सकते हैं। मीटर रिलेटेड कंप्लेन है, मीटर लगवाना है आपको, तो मीटर रिलेटेड यहाँ पे चूज करना होगा। देखिए यहाँ पे अगर आपका मीटर जला हुआ है तो मीटर बंट लिखेंगे, अगर मीटर का जो है ग्लास टूट गया है तो वो यहाँ पे, डिस्प्ले पे जो कुछ नहीं आ रहा है तो डिस्प्ले फॉल्ट यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे अगर आपका मीटर फास्ट चल रहा है तो ये मेंशन करेंगे, अगर मीटर चोरी हो गया है तो ये आपको चूज करना होगा, मीटर बाईपास हो गया है नहीं कुछ है, अगर आपका न्यू कनेक्शन है और मीटर नहीं लगा है तो मीटर नोट एट साइट आपको चूज करना होगा। उसके बाद यहाँ पे मीटर नोट एट साइट आ गया, उसके बाद यहाँ पे कंप्लेन डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर आपका न्यू कनेक्शन है तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, सर हमने घर घरेलू कनेक्शन के लिए आवेदन किया है इतने तारीख को, हमारा जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ड्यूज वेरिफिकेशन, टेक्निकल वेरिफिकेशन जो है कंप्लीट कर दिया जा चुका है, मगर अभी तक जो है हमारा मीटर नहीं लगा है। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि मेरा बिजली बिल जो है बहुत जल्द जो है लगाने की कोशिश करें, ताकि मैं बिल का भुगतान कर सकें। उसके बाद जो कैप्चा दी गई है इसको टाइप करके सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। अगर आपका मीटर जल गया है, खराब हो गया है, तो आप मीटर यहाँ पे लिख सकते हैं, मीटर डिफेक्टिव लिख सकते हैं। यहाँ पे आप मेंशन करेंगे कि सर मेरा जो है दिनांक इतना तारीख से जो है मीटर जल गया है, खराब हो गया, डिस्प्ले पे कुछ नहीं आ रहा, जिसके कारण जो मेरा बिल है बहुत ज़्यादा बन जा रहा है, हमारा कंजप्शन जो है बहुत ही कम है और मैं जो बिल बन रहा है उसको भुगतान करने में असमर्थ हूँ। अतः श्रीमान से निवेदन है कि हमारा जो है यहाँ पे मीटर जो है लगा दिया जाए, ताकि मैं जो है अपने एक्चुअल रीडिंग के अनुसार जो है पेमेंट कर सकूँ। उसके बाद कैप्चा दी गई है इसको टाइप करके सबमिट बटन पे क्लिक कर देना, तो एक रेफरेंस नंबर जो है जनरेट होगा, वो रेफरेंस नंबर को आपको रखना है, 24-48 घंटे में जो है आपका मीटर इंस्टॉल कर दिया जाता है। कंप्लेन का स्टेटस देखना है तो कंप्लेंट एसआर स्टेटस मिलेगा, इस पे आप कंप्लेंट सीरियल नंबर डालेंगे, कैप्चा डाल के सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, आपका स्टेटस जो है डिटेल में शो हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है अगर आपको नया कनेक्शन में मीटर लगाना है या मीटर जल गया है, तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से जो है प्रोसेस को फॉलो करके आप आसानी से जो है मीटर को लगा सकते हैं। किसी तरह का क्यूरी क्वेश्चन हो कमेंट जरूर करिएगा, और इस कैसे आवेदन लिखना है इस वेबसाइट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहां से आप जो है इसको देखकर जो है आप आसानी से जो है आप बिजली विभाग से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है उसके बारे में आप जान पाएंगे, डिटेल जानकारी यहां पे प्रोवाइड की गई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, आप इसको फॉलो करिए और इसमें जो है डिटेल जानकारी दी गई है उसको आप देख के बहुत कुछ सीख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट किए चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों को जानकारी मिल सके और वो भी जो है इसके बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करके आवेदन जो है लिखना सीख सके। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय।